मैं एक गम में आपको शरीक करना चाहता हूँ। हमारे अल्लाह ने हमें यह तबलीग का काम बहुत आलीशान काम दिया है और पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से निज़ामुद्दीन से यह काम, निज़ामुद्दीन दिल्ली की एक बस्ती थी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ कि वहाँ उनकी आराम गाह है, मैं दो दफ़ा वहाँ गया हूँ, तो उसी के उन निस्बत से उस जगह को बस्ती निज़ामुद्दीन कहा जाता है। वहाँ से मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 1926 में यह तबलीग का काम शुरू किया। फिर 1944 में उनका इंतकाल हुआ तो उनके बेटे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको संभाला और इसको दुनिया में फैलाने का वो ज़रिया बने। फिर उनका 65 में इंतकाल हुआ तो मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी जगह अमीर बने। फिर पूरी दुनिया में ये काम आखिरी के, मैं दुनिया के आखिरी किनारों तक तो खुद अल्लाह ने मुझे पहुंचाया हुआ है। और फिर 95 में उनका इंतकाल हुआ तो फिर एक शूरा बनी जिसमें मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में, उम्र में, सेहत में, इलम में बरकत दे, उनके ज़रिए से बहुत फैज़ फैल रहा है। और मौलाना नियाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब जो अब रहमतुल्लाह अलैह हो गए, मरहूम हो गए, और हमारे पाकिस्तान से हाजी अब्दुल वहाब साहब और मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी दुनिया से चले गए। तो इन हजरात के इज्तमाई मशवरा से फिर ये अल्लाह ने तबलीग की मेहनत को बहुत खूबसूरत अंदाज में पूरी दुनिया में दीन को मुतारफ़ करवाने का सबब और ज़रिया बनाया है। तो उनमें एक मौलाना ज़ुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह कल इंतकाल फरमाए गए। मेरे उनके साथ बहुत सफ़र हुए हैं। 1982 में मैं 2 महीने निज़ामुद्दीन में रहा, अल्लाह ने उनको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सिफात से नवाजा था, बहुत ज़रीफ़ तबा, मुस्कुराने वाले, हंसने वाले, जैसे अल्लाह के नबी का फरमान के बारे में आता है ज़हाकन बसामन, ऐसे मौलाना ज़ुबैर साहब रहमतुल्लाह हंसने वाले, मुस्कुराने वाले, बहुत भारी भरकम थे लेकिन पूरी दुनिया में अल्लाह के पैगाम को लेकर फिरे। और मेरे उनके साथ बैरून मुल्कों के बहुत सफ़र हुए, मुझे तो अब याद भी नहीं है, अल्लाह के फजल से इतनी दफ़ा उनके साथ सफ़र हुआ, लंबे लंबे सफ़र हुए, बहुत ज़्यादा वो मुझसे मोहब्बत करते थे। जब कोई आदमी मशहूर हो जाता है तो उस पर सेहतमंद तनकीद भी होती है और आमतौर पर बेजा तनकीद करने वाले ज़्यादा होते हैं और सेहतमंद तनकीद करके समझाने वाले कम होते हैं। मौलाना ज़ुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह का मेरे साथ हमेशा ये रवैया था, जब भी मुझसे कोई ऊंच नीच होती तो मुझे बुला के बड़े प्यार से फरमाते थे ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है, इसको यूँ नहीं करना, यूँ करना है। और पाकिस्तान तशरीफ़ लाते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार होता था, मुझे बुलवाते थे, स्पेशल बुलवाते थे, और उनके बच्चे भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बल्कि 1997 के हज में हम इकट्ठे थे तो मुझे बुलाकर फरमाया कि भाई हमारे घर की तो सारी मस्तूरात तेरा ही बयान सुनती रहती हैं, तो तू ऐसा कर, जा 97 के हज में अहले खाना और मस्तूरात तशरीफ़ लाई थी तो मुझे फरमाया कि जाओ अरफात में उनके खेमे में बयान करके आओ, तो मैं वहाँ बयान करके आया। और अभी जब इज्तमा पर तशरीफ़ लाए थे तो उनके बड़े साहबजादे कहने के मेरे बच्चा छोटा आपसे बात करना चाहता है, तो उन्होंने फ़ोन पे मुझसे बात की, तो सहारनपुरी मुहावरा है खैरियत हो रही, वैसे हम पूछते हैं कि आप खैरियत से हैं, आप ठीक हैं, तो सहारनपुर का मुहावरा खैरियत हो रही, तो मैं फ़ोन पर बताया, 5 साल का बच्चा था, तो वो उसने मुझे सलाम करके कहा मौलाना खैरियत हो रही, मैंने कहा जी बिल्कुल हो रही, तो मुझसे कहने लगा दुआ फरमाए मैं भी आपकी तरह बयान करने वाला बन जाऊँ। मैंने कहा बेटा आपको आप अपने अल्लाह ताला आपको आपके दादा की तरह बनाए, मैं तो ऐसे ही बजने वाला ढोल हूँ, अल्लाह आपको आपके खानचों इस ख़ानदान से अल्लाह ने वो काम लिया है जो सदियों में बहुत कम किसी से लिया जाता है, तो अल्लाह ताला उनको अपने जिवार रहमत में जगह बख्शे। आप सब जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनके लिए साल सवाब करें, उनके लिए नफल पढ़ें, उनके लिए दुआ फरमाएं और उनके बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको अपने बाप का, अपने दादा का सही जानशीन बनाए। मौलाना साहब के लिए दुआ फरमाएँ कि अब वो अकेले हो गए, उनके कंधों पर सारा बोझ आ गया है,
अल्लाह उनको हिम्मत भी दे, सेहत भी दे, बसीरत भी दे, फिरासत भी दे, सबको साथ लेकर चलने की हिम्मत और ताकत दे। वो हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। इन अल्फाज के साथ मैं आज की मजलिस ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।